हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का नए टेस्ट पेपर में। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ना तो वीडियो आ रहा है ना ही कोई अपडेट है। तो एक्चुअली मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली गई हुई थी, मुझे कुछ काम था और साथ में मुझे फिजिकल न्यू टेस्ट पेपर भी लेने थे, क्योंकि जो पहले के हैं वो मैं चाह रही थी कि कंप्लीट तो हो ही गए हैं। और ये दृष्टि के हैं, दृष्टि के 6 पेपर हैं, जिसमें से जो 6वें नंबर का टेस्ट पेपर है ये देखिए, तो इसमें ना उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी क्वेश्चन इंक्लूड है। वैसे तो बहुत सारे चैनलों में बहुत सारी जगह से आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा होगा, बट क्योंकि जो क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, तो वो अलग ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आरओ का पेपर आपको पता ही है 11 तारीख को है, बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो ठीक है। तो मैं वैसे 1 नंबर टेस्ट से स्टार्ट करती, बट क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है तो अभी हम पहले 6 नंबर कर लेते हैं, इसके बाद में 1 नंबर से मैं स्टार्ट ही करूँगी। 6 नंबर इसलिए करने का रीज़न है क्योंकि बहुत सारे लोग आरओ का पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से कर लीजिए जो भी आपका बाकी रह गया हो, बाकी हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छिपकली की एक नई प्रजाति साइरोटो डेक्टोइलस वेरेंगटेसिस पाई गई। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, बी मणिपुर में, सी मिजोरम में, या डी असम में। तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ये करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें आपके, प्लस यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन इंक्लूड, इसीलिए मैंने इस टेस्ट पेपर को पहले ले लिया है, आपको मैंने बताया इसका रीजन। तो देखिए छिपकली लिजार्ड की जो नई प्रजाति का नाम मिजोरम के उस शहर के नाम पर साइरटो डेक्टाइलस वेरेंगटेसिस रखा गया है जहाँ यह पाई गई थी, और नई प्रजाति के लिए सुझाया गया सामान्य नाम वेरेंगटे बेंट टूड गेको है। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सॉरी सी मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मिजोरम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी क्यूबा, या डी इंडोनेशिया। अब ये करंट के क्वेश्चन है सारे, तो इम्पोर्टेंट बहुत है अपने आप में। तो देखिए जो लंदन में मुख्यालय है, ठीक है, लंदन में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। तो विकल्प आपका क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, ए यानी कि भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अब हमारा यूपी स्पेशल का है कि सूची फर्स्ट को सूची तथा दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यह सूची फर्स्ट है, यह थर्मल पावर स्टेशन है, और यह सूची सेकंड है आपका, यह स्थान है। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो ये थर्मल पावर है वो किस स्थान पर है। देखिए सबसे सिंपल आपका है ऊंचा हर आपका पड़ता है रायबरेली में। मेजा थर्मल पावर, जो मेजा एक जगह का नाम है, यह प्रयागराज में है। इसके बाद में हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, आपको दो तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे यानी सी और डी। तो अगर आप कूट में जाएंगे तो इस तरीके से इन्होंने आंसर को फंसाया है कि आप गेस वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि C3 यहाँ पर भी है, C3 यहाँ पर भी है, D4 यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने केवल एक मिस्टेक की, D1 कर दिया है, वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए कि ऊंचा हर थर्मल पावर स्टेशन को उन्होंने D1 यानी कि सोनभद्र कर दिया, बट ये गलत है। हमारा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा A1, B2 और C3, D4, क्योंकि ये दोनों तो कन्फर्म ही है। अगर गेस वर्क भी करेंगे तो इसमें आप सही जाएंगे। इसके बाद में आपका अनपरा, अनपरा की बात करें तो ये आपका सोनभद्र में है, और हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में है, मेजा आपका प्रयागराज में है, और ऊंचा हर आपका रायबरेली में। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर सही होगा वो सी यानी कि सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, C3, D4, A1, B2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संपूर्ण आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी भूटान, सी नेपाल, डी भारत। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि जो आवारा कुत्तों की आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है, तो ऐसा काम करने वाला 14 साल के कुत्ते जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के बाद भूटान ने खुद को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने अपने पूरे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से बंध्याकरण और टीकाकरण किया है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो गया, और ये थोड़ा सा अनोखा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान बनाए रखें, क्या पता आयोग की नज़र इस पर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया। ऑप्शन ए
सूर्य मंदिर कोणार्क, बी एलोरा गुफाएं औरंगाबाद, सी हम्पी कर्नाटक और डी सूर्य मंदिर महाबलीपुरम। ठीक है, या महाबलीपुरम या महाबलेश्वर, सॉरी महाबलीपुरम है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भारत का पहला ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है वो कौन सी जगह या कौन सा मंदिर है। तो तमिलनाडु के, देखिए एक है महाबलेश्वरम और एक है महाबलीपुरम, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम की विश्व धरोहर स्थल है ने भारत में पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल होने का गौरव प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य मंदिर महाबलीपुरम, और ये किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और ये आपका ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हुआ है, यानी कि ये ऐसे ही उठकर कोई खबर नहीं बन गई है, इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर को स्वच्छ और टिकाऊ और ऊर्जा का उपयोग करके रोशन किया जाएगा। इसलिए ये आपका जो ग्रीन हरित पूरा ऊर्जा तात्विक स्थल बन पाया वो इसी का कारण है। ठीक है, उन्होंने काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF बनाने की मंजूरी दी। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी अरुणाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अपने आप में। देखिए अक्टूबर 2023 में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट अन्य निर्णयों के अलावा एक विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन को मंजूरी दी है, जिसे हम शॉर्ट में STPF कहते हैं। तो इस तरीके से बी आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी असम में, सी मध्य प्रदेश में या डी उत्तराखंड में। नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर आपने नाम सुना होगा तो मध्य प्रदेश जो देश में अधिकांश बाघों का घर है, तो वही कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र आपके बाघों का घर है राज्य, वहां पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बड़ी बिल्लियों के लिए एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला है, और यह राज्य का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। देश के बारे में पूछेंगे तो 54वां यानी 54 नंबर पर है, और राज्य यानी मध्य प्रदेश के अंदर बात होगी तो वहां पर इसकी जो मतलब रैंकिंग है वो 7 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए नोवेल वैक्सीन स्चिंक विकसित की गई। थोड़ा अलग सा नाम है, आप इसको अपने हिसाब से प्रोनंसिएट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए खसरा, बी डेंगू, सी चिकनगुनिया या डी गलसुआ। ठीक है, तो बीमारी से निपटने के लिए जो नई वैक्सीन विकसित की गई उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसका आंसर होता है, यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वल्नेवा द्वारा विकसित एक्सचिक नाम का एक नया टीका चिकनगुनिया वायरस से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको और समझ ले कि इसे मांसपेशियों में इंजेक्शन के माध्यम से एकल खुराक के रूप में दिया जाता है, और इसमें चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित कमजोर संस्करण होता है जो संभावित रूप से टीका प्राप्तकर्ताओं में बीमारी के समान लक्षण पैदा करता है। ठीक है, और वैक्सीन को उन लोगों में लगाने की मंजूरी दे दी गई है जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, यानी कि जो 18 से कम के हैं उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, और उनमें वायरस के संपर्क में आने का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो चिकनगुनिया के लिए अभी टीका खोज लिया गया है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी पैथॉर्न हिप्पोफे एल जैसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया संबंधित है। ऑप्शन ए राजस्थान से, बी लद्दाख से, सी कर्नाटक से या डी केरल से। आपको पता है कि GI टैग के एक या दो क्वेश्चन जरूर आयोग पूछता है। ठीक है, तो किस राज्य में किसको कितने GI टैग प्रदान किए गए इसको आपको जरूर याद रखना है। दूसरी बात कि GI टैग को प्रदान कौन करता है, मतलब भारत की कोई एजेंसी है, कोई संस्था है, कोई किसी अधिनियम के तहत कैसे प्रदान होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर जान लें। तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत संचालित भौगोलिक संकेतक जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि शॉर्ट में हम GI कहते हैं, तो ये रजिस्ट्री ने उद्योग और वाणिज्य विभाग लद्दाख को लद्दाख सी बैकथॉर्न के लिए GI टैग से सम्मानित किया है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ आंसर हो जाएगा क्वेश्चन को वो हो जाएगा बी लद्दाख। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे हैं
किसी बैकथॉर्न एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग का खाने योग्य बेरी पैदा करती है, जो स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरी बात, लेकिन विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे वंडर प्लांट यानी लद्दाख गोल्ड या गोल्डन बुश या गोल्ड माइन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उन्होंने सी बैकथॉर्न ना पूछ के अगर पूछ लिया कि गोल्डन माइन के नाम से किसे जीआई टैग दिया, इसके दो तीन नाम है, तो इन्होंने पूरी बात बता दी कि इसे वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या गोल्ड माइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। ऑप्शन है उदयपुर, बी ग्वालियर, सी वाराणसी या डी जयपुर। तो इस तरीके से वो कई सारे ऑप्शन देंगे, तो आपको जब अगर इसका आंसर याद रहेगा, क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा करंट में कहीं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के दोहन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के लिए नवंबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया था, और इसलिए इसे संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। तो इस तरीके से जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर या जिला है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखते हैं कि ये राज्य ने शुरू किया है, ये जो इनिशिएटिव है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी ने। ठीक है, तो देखिए जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश के पहले तीन पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड के देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। सेकंड, कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज हैं। तो कह रहे हैं कि दिए गए कूट का उपयोग करके या प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट आपका है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात हो रही है, तो देखिए संघ सर, तो यहां पर जो बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, तो देखिए संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है, तो इस हिसाब से आपका कूट फर्स्ट सही है। ये खनिज हैं एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मत, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, ठीक है थोड़ा सा अलग है, नाइवोबियम, निकेल। इस तरीके से 30 जो आपके हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो कथन आपका जो सेकंड है वो भी सही है, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ऑप्शन है परमाक्रिसिस, बी एआई, सी वैक्स या डी साइबर वॉर। देखिए एक दो डिक्शनरी होती हैं, जैसे आपकी ऑक्सफोर्ड हो गई, कोलिंस हो गई, तो ये ना किसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपने केबीसी में तक देखा होगा कि क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है इसको सही से थोड़ा याद करके रखिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कोलिंस डिक्शनरी ने एआई, ठीक है, अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी संयंत्र स्थित है। आंसर है, सॉरी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ओडिशा में, सी उत्तर प्रदेश में या डी गुजरात में। ये कह रहे हैं कि फ्लोटिंग, इसमें नया क्या है, नया ये है कि भारत का पहला है प्लस फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला कोई भी चीज़ होती है जो पहली होती है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो भारत का जो पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो ये उत्तर प्रदेश में नमोघाट वाराणसी पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन विश्व में पहला ऐसा सीएनजी स्टेशन है, तथा ये इसका परिचालन दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगर वहां पर नमो घाट वाराणसी दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है केवल राज्यों के नाम दिए तो फिर उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दुर्लभ धातुओं में से एक टैंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी में पाया गया? ऑप्शन ए ब्यास, बी चिनाब, सी झेलम या डी सतलुज। ठीक है, दुर्लभ धातुओं के बारे में बात हो रही है जिसमें टैंटलम नाम है दुर्लभ धातु का, तो पूछ रहे हैं कि किस नदी में ये पाया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है, तो इस तरीके से जो आंसर हमारा हो जाएगा कि इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कह रहे हैं कि म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई। ऑप्शन ए मिजोरम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी मणिपुर में या मणिपुर में, डी मेघालय में। म्यूजिक फ्रॉग का मतलब हो गया यानी कि कोई ऐसा फ्रॉग होगा जो गाना गाता होगा या गाना निकालता होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आकार की आण्विक और, ठीक है, आकार की आण्विक और ध्वनिक साक्ष्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमा कुमी एक नई प्रजाति है किसकी? ऑप्शन है मेढक की, बी सांप की, सी कछुआ की या डी मछली की। ठीक है, नई प्रजातियां जब एक्सप्लोर की जाती हैं वो हमें मिलती हैं तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड की मिलक नदी से मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे बादिस लिमा कुमी नाम दिया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, मछली की। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो अभ्यास होते हैं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा UPPCS में क्वेश्चन बने हैं, अगर PYQ आपने सॉल्व किया, RO में भी बनते हैं। ठीक है, चलें हम बात करते हैं कि बोगो सागर भारत और डेस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन है बांग्लादेश, बी मालदीव, सी ओमान या डी सिंगापुर। ठीक है, देखिए, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोगो सागर 2023 उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था, तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको थोड़ा सा और जानकारी लेना हो तो आप PDF को जरूर अच्छे से पढ़िएगा, जैसे कि भारतीय नौसेना के जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान MPA डोर्नियर ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बकर, अबू उबैदा और MPA के साथ अभ्यास में भाग लिया। INS कुठार एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, जबकि INS किल्टान एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट है। एक आपकी गाइडेड मिसाइल है और दूसरी आपकी पनडुब्बी रोधी है, जो जो मतलब दोनों देशों की ये जो भी इक्विपमेंट है मिलकर के अभ्यास किया इन लोगों ने। ठीक है, आपको पता ही है कि मिलिट्री अभ्यास हो या एक्सरसाइज हो, नौसैनिक अभ्यास हो, एयरफोर्स का अभ्यास हो, तो ये होते रहते हैं दोस्त दोस्त मतलब सॉरी देशों के बीच में। इससे दोस्ती और आपसी चीजें मजबूत रहती है, रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप देखते हो ना कि ऐसी चीजें की जाती हैं, तो इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, सेकेंड विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी खाद्य एवं कृषि संगठन और डी है आपका संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि संगठन ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी की है, हालांकि अभी ये नई है, हाल ही में होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ILO बोलते हैं, ILO ने कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिस पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया मंच आयोजित कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क में चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी आप और अच्छे से रखिएगा, कभी कदार पूछ लेते हैं, हर वर्ष नहीं पूछते हैं। तो जैसे इसका अगर हम देखें तो इसकी स्थापना किसकी? ILO की
वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में की गई थी तथा वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा। तो ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की अधिकतम संख्या 13 है और इसके बाद 12 के साथ आंध्र प्रदेश का स्थान है। तो आपको दो तो याद ही रखनी, अगर सबसे पहले नंबर पर पूछा जाता है तो आपका ओडिशा हो जाएगा तक, इसके बाद में अगर सेकंड नंबर देखा जाए तो वो आपका आंध्र प्रदेश। अच्छा ओडिशा में कितनी, तो यहाँ पर 13, ठीक है 13 ग्रुप होंगे, 13 या नाम होंगे अलग अलग तरीके के। तो बजट 2023-24 में सरकार ने प्रधानमंत्री PVTG जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं विकास मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ही है कि ये जो जनजाति परिवार हैं इनके लिए आवास, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी तथा स्थायी आजीविका के अवसर जैसे बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा सके, है ना। तो चले आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच या डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट पुरानी है, ये इसके क्वेश्चन भी बन चुके हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 है। ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर हिट न्यू हाई, येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट में कैंडोलेमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसस की खोज की गई है डैश की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन है मशरूम, बी कटहल, सी तरबूज या डी सेब। ठीक है, देखिए पालोड स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI के शोधकर्ताओं ने एक नई मशरूम प्रजाति की पहचान की गई है जिसका नाम अभी आपने देख ही लिया है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा मशरूम की। ठीक है, अच्छा ये इतना क्यों चर्चा में है, अगर इसकी खोज भी की गई है तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मशरूम विशिष्ट सफेद ऊनी स्केल जैसी संरचनाओं के साथ एक आकर्षक शहद के रंग की पीली टोपी प्रदर्शित करता है और यह प्राकृतिक वन आवास के भीतर निर्जीव सूखी लकड़ियों और बांस के ढेरों पर पनपता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या था? ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास का निर्माण, बी सुरक्षा गुणवत्ता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी परिवर्तन अवसंभावी या डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ठीक है, तो कई बार इसके थीम भी आती है क्वेश्चन में, तो थीम जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है। वर्ष 23 और 24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है पॉल लिंच, बी सारा बर्नस्टीन, सी चेतना मारू या डी जोनाथन स्कोफ्री। ठीक है, बुकर पुरस्कार भी अपने आप में उतना इम्पोर्टेंट है। तो पॉल लिंच की रचना प्रॉफिट सॉन्ग को बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार आप जानते ही होंगे एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार है, ये इंडियन नहीं है। ठीक है, यानी कि भारतीय नहीं है, जो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखित पूर्ण उपन्यास के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन है कानपुर, बी इटावा, सी बाराबंकी या डी जौनपुर। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का है, तो उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कौन है उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री? धर्मपाल सिंह, जिन्होंने पशुपालन निदेशालय में वर्चुअल रूप से इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया
और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ भी किया। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की एक मुफ्त समाधान योजना संबंधित है। ऑप्शन ए बिजली उपभोक्ताओं से, बी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से, सी कालाधन से, या डी आयकर से। आपको पता ही है कि कोई ना कोई योजनाएं चलती रहती है राज्यों के अंदर, तो वही ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी एक मुफ्त समाधान योजना है वो संबंधित है, तो वो पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना यानी कि ओटीएस जारी की है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इस योजना के तहत 50 से 100% तक छूट मिलेगी और यह 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी, यानी जो लोग कमर्शियल है बिजनेस करते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, 1 वाट जिनका होगा 1 किलोवाट उनको ये छूट मिलेगी। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बिजली उपभोक्ताओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है। आंसर है देहरादून, बी इंदौर, सी जामनगर, या डी सहारनपुर। और क्या बनाया जा रहा है, तो दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, देखिए देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया कितने मतलब लागत भी कई बार पूछ लेते हैं ना, तो इसको 30 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव होगा या महोत्सव नहीं होगा 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, या डी गुजरात। ठीक है, तो देखिए यूपी स्पेशल है, अगर गेस करना हो तो आप उत्तर प्रदेश को ही गेस कर सकते हैं। वैसे करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज़ जो भी हाल में रही खबरों में तो पता तो होना चाहिए। इन केस हमें नहीं पता है तो हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथुन जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ है राज्य पशु है। ऑप्शन है मणिपुर का, बी अरुणाचल प्रदेश का, सी मिजोरम का, या डी असम का। ठीक है, तो देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण आपका FSSAI ने पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक मनोरम और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गोजाति प्रजाति मिथुन को आधिकारिक तौर पर खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। किसने दी है, तो ये आपका जो राज्य है पूर्वोत्तर का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन्होंने इसे दी है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है, यहाँ ये मान्यता है कि मिथुन मांस के व्यवसायिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है जिससे इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक आशाजनक आर्थिक बढ़ावा मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर मिथुन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। जैसे केंद्र सरकार ये दावा करती है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, वैसे उत्तर प्रदेश का भी अपना दावा है कि किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनना है। ऑप्शन है 2024, बी 2025, सी 2027, या डी 2030। ठीक है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य का जो लक्ष्य है वो 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2027। देखिए थोड़ा सा आप आंकड़े भी देखिएगा, खाली उन्होंने बोल दिया और हमने मान लिया ऐसा नहीं है। उसके जो आंकड़े कहते हैं कि राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो वर्ष 2021 और 22 में 16.45 लाख यानी 16 लाख 45 करोड़ था, अब वर्ष 2023 में बढ़कर वही 22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया यानी 23 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। कब पहुंच गया, तो 2022-23 में। ठीक है, तो इसलिए ये बता रहे हैं कि हमें 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिकी डॉलर की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मुरादाबाद, ये डी गोरखपुर। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की मशाल को प्रज्वलित कर लीग का शुभारंभ किया। आंसर हो जाएगा आपका डी गोरखपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश, ये डी गुजरात। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के बारे में बात हो रही है, तो विश्व मत्स्य पालन दिवस 22 नवंबर पर अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और 2022 में राज्य में मछली उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक था, जबकि इस वर्ष यह लगभग 9.1 यानी कि लगभग 10 लाख की बढ़ोतरी हुई, सॉरी 1 लाख की बढ़ोतरी हुई, तो 8 से 9 में पहुंच गया, लाख मीट्रिक टन है। और इस बीच मछली बीज का उत्पादन जो पिछले वर्ष लगभग 27.128 लाख मीट्रिक टन था, वो भी बढ़कर 187 लाख मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग किया गया? ऑप्शन है 2005 में, बी 2002 में, सी 2007 में, या डी 2000 में। ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बन गया और जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से बना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2000। ऐसे 2000 हो जाएगा अगर पूरी डेट पूछेंगे तो 9 नवंबर आपकी हो जाएगी। ठीक है, और ये उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस था, जहां मुख्य कार्यक्रम देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, यानी कि 9 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, या डी गुजरात में। ठीक है, तो देश का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क पार्क मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हीरालाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग का, बी केंद्रीय सतर्कता आयोग का, सी भारत चुनाव आयोग का, या डी इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है, तो श्री हीरालाल सामरिया को CIC यानी कि केंद्रीय सॉरी मुख्य सूचना आयुक्त, जिसको हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं, या तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग। श्री हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग CIC में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने कुछ कुछ यूपी स्पेशल के बारे में चीजें आपको बताई हैं और कुछ चीज़ें आपने तैयार कर ही ली होंगी। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। अब ये यूपी स्पेशल का ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, नहीं रिवीजन किया, तो फिर आपको ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? ये याद रखना, यहाँ पर इन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, सैरा, धुरिया, राय, मयूर। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, देखिए बुंदेलखंड में जो होता है कार्तिक देवी, सायरा, दीप, धुरिया, दीवारी, पाई, डंडा, घोड़ा और राय, कानरा। ब्रज और ब्रज क्षेत्र में रास, मयूर और झूला होता है। तो यहाँ पर जो मयूर हो जाएगा वो आपका, इन्होंने पूछा नहीं है, तो मयूर नहीं है, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र में होता है, ना कि बुंदेलखंड में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और इनको सच में सही से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सारी चीज़ें, और कह सकते हैं सांस्कृतिक हो गई, कल्चरल हो गई, और भी कई सारी चीज़ें वहाँ की काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो अपने आप में वो क्षेत्र ही बहुत फेमस रहा है, आपको पता ही है हिस्ट्री में, तो इस तरीके से वहाँ की चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए हैं। सेकेंड है कि इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी सॉरी बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है,
तो भारत में उच्च पुरापाषाणकालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े पाए गए, तो कथन फर्स्ट सही है आपका। पहली खोज वर्ष 1860 के दशक में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी में की गई थी। इस तरीके से कथन सेकंड भी सही है। तब से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के टुकड़े महाराष्ट्र के पटने या पाटन में पाए गए तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 खोजें की गई हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो हो जाएगा यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल से प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया। ऑप्शन है लहुरा देव, बी कोल्डीहवा, सी मेहगरा या डी सराय नाहर राय। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के ही स्थान है जहाँ पर ये है। आरंभिक कृषि बस्तियाँ मध्य गंगा के मैदान में भी फैली हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में हाल ही की खुदाई से यह संकेत मिलता है कि यहाँ 220x140 मीटर का टीला आसपास के मैदान से लगभग 4 मीटर ऊपर है, जो 3 तरफ से एक झील से घिरा हुआ है। और इस स्थल ने नवपाषाण काल से लेकर आरंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया। तो इस तरीके से आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा लहुरा देव। और ये पड़ता कहाँ है, तो ये संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दी थी। ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी सांची में, सी सारनाथ में या डी राजगृह में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है। तो सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदी, ठीक है, गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कौन सी जगह, सारनाथ। और सारनाथ में ही हिरण पार्क वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म की शिक्षा दी थी, साथ ही जहाँ कोडन्ना के ज्ञान के माध्यम से बौद्ध संघ अस्तित्व में आया था। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी सारनाथ। और आपको पता ही कि सारनाथ एक बहुत पवित्र स्थल है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ घूमने, तो कभी आप भी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। ठीक है, ये वो पहला स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने धम्म की शिक्षा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है दैमाबाद, बी कोटदीजी, सी आमरी या डी मांडी। हड़प्पा सभ्यता स्थल की बात हो रही है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी गांव से हड़प्पा कालीन आभूषण के एक समृद्ध भंडार की खोज ने पुरातत्व जगत को कई कारणों से आश्चर्यचकित कर दिया था। तो अगर बात होगी तो वो हो जाएगी आपकी मांडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी। ऑप्शन है 1958-60 में, बी 1940-42 में, सी 1920-22 में या डी 1950-52 में। ठीक है, तो इसमें फैक्ट खूब पूछे जाते हैं इसलिए फैक्ट के ही क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर के टीले की खुदाई आपकी जो की गई थी वो 1950-1952 में की गई थी। ठीक है, और इसका सांस्कृतिक क्रम बहुत लंबे समय तक फैला रहा जिसमें व्यवसाय में 4 अंतराल शामिल थे। ठीक है, तो जो शामिल थे तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 1950-52 तक में। ठीक है, और भी डिटेल थोड़ा सा दी है, आप उसको अच्छे से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन सारे हो जाए, क्वेश्चन छूट लेना है ना। कुछ तो आपने डिटेल तैयार किया होगा, कुछ आपका बाकी है, तो इसमें पीडीएफ में ये लोग दे देते तो अच्छा रहता है। अगर सबसे प्रारंभिक बस्ती की बात करें जो सबसे पहले मिली थी, तो पहले की अवधि थी वो 1200 ईसा पूर्व और 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक। नवीनतम स्तर हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम ऊपरी गंगा घाटी के अन्य स्थलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन है सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी देवीपाटन या डी कुशीनगर। ठीक है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध स्थान है, सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन या कुशीनगर। तो कौशाम्बी का उल्लेख वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार हुआ है। कौशाम्बी का बुद्ध के काल में कौशाम्बी भारत के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था और प्राचीन भारतीय संचार का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के मुख्य मार्ग शहर में मिलते थे। तो बी आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ये आपका बौद्ध के साथ साथ जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि राजा अवंती पुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है। ऑप्शन ए काशी, बी चेदी, सी अवंती या डी सूरसेन। बात किसकी हो रही है, राजा अवंती पुत्र की हो रही है। ठीक है, देखिए सूरसेन महाजनपद यमुना दुआब क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। ओके, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार एक सूरसेन राजा अवंती पुत्र और एक बौद्ध अनुयायी था। उनका नाम शाब्दिक अर्थ अवंती का पुत्र सूरसेन और अवंती के बीच के वैवाहिक गठबंधन की ओर संकेत करता है। ठीक है, अतः इसी हिसाब से डी आपका हो जाएगा, राजा अवंती पुत्र तो हो जाएगा सूरसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी। ऑप्शन ए चेदी, बी काशी, सी कंबोज या डी पांचाल। कह रहे महाजनपद की राजधानी बरेली में थी। ठीक है, तो पांचाल महाजनपद में वर्तमान रोहिलखंड क्षेत्र शामिल था और इसे गंगा नदी द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया था। राज्य की दो राजधानियां भी थी, उत्तरी उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उत्तर प्रदेश में बरेली में आधुनिक रामनगर के साथ पहचान की गई है। ठीक है, या पहचानी गई है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पांचाल। ठीक है, जो आज की बरेली है आपकी, वो आपके पहले वर्तमान पहले समय में पांचाल की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने होणों को पराजित किया था। ऑप्शन है भीतरी स्तंभ शिलालेख, बी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सी मंदसौर शिलालेख या डी उदयगिरी शिलालेख। अब ये शिलालेख होते थे या ताम्र पत्र होते थे जो युद्ध के बारे में विवरण देते थे, क्योंकि पहले तो कापी किताबें थी नहीं, कागज कोई था नहीं, कागज होता भी इनकेस तो कागज की लिखावट में भी कि कई कई सालों वर्षों तक में खराब हो जाती है ना। तो ये शिलालेख पे जो चीज़ें उत्कीर्ण की जाती थी ये लाखों सालों पुरानी चलती रहती थी। तो वही ये कह रहा कि भीतरी स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर बनाया गया है और इस शिलालेख में स्कंद गुप्त और होणों के बीच एक युद्ध का वर्णन है। तो इससे ये उल्लेख होता है कि होणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें होणों को स्कंद गुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भीतरी स्तंभ शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी गयासुद्दीन तुगलक या डी सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा की बात हो रही है। वैसे आपको पता ही है कि आगरा पे अकबर का काफ़ी प्रभुत्व देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना की थी और सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर उनके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आगरा से अपनी सल्तनत पर तब तक शासन किया था जब तक कि वह वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह सम्राट बाबर से लड़ते हुए हार नहीं गए। तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, इन्होंने ही आगरा की स्थापना की थी या ये आगरा के संस्थापक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आजमगढ़, बी इलाहाबाद, सी आगरा या डी अजमेर। ठीक है, तो देखिए आगरा शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ प्रारंभ हुआ, इसे तब अकबराबाद के नाम से जाना जाता था और ये बादशाहों सम्राटों अकबर जहांगीर तथा शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगरा। अच्छा, इसकी बात करें अकबर ने इसे अपने मूल 12 सूबा शाही शीर्ष स्तर के प्रांत में से एक के नामांकित स्थान बनाया जो पुराने दिल्ली अवध इलाहाबाद मालवा और अजमेर सूबा की सीमा पर था। बाद में शाहजहां ने वर्ष 1649 यानी 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर ली। ये कुछ बातें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी कलियर, सी देवा शरीफ या डी गढ़ मुक्तेश्वर।
अब आप दो दो या तीन ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं कि लखनऊ से तीर्थ नगरी देवा मात्र 42 यानी 42 किलोमीटर की दूरी पर और बाराबंकी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर पूर्ववर्ती अवध के मध्य में स्थित है। यह हाजी वारिस अली शाह का जन्म स्थान है जिन्होंने मानवता के प्रति सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से कई पीढ़ियों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, ठीक है। तो इसी उन्हीं के उसमें आपका हाजी ये सॉरी जो मेला लगता है वो देवा शरीफ पे लगता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन है आगरा का किला या आगरा किला, बी बादलगढ़ किला, सी लाल किला या डी बरौली किला, ठीक है। देखिए बादलगढ़ इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया तथा वर्ष 1558 में आगरा पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया था किया कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह खंडहर अवस्था में था और अकबर ने इसका पुनर्निर्माण राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। वास्तुकारों ने इसकी नींव रखी, साथ ही इसे भीतरी हिस्से में ईंटों और बाहरी सतहों पर बलुआ पत्थर से बनाया गया। तो अगर आंसर होगा कि राजधानी कहाँ बनाया तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा बादलगढ़ का किला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये सूची फर्स्ट है धार्मिक शिक्षक, सूची सेकंड है क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन ए लाल देद कश्मीर, बी लाल शाहबाज कलंदर सिंध, सी निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और डी रामानंद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इनको हमें मिलान करना है। देखिए निजाम आपको कोई और याद हो ना याद हो, निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली आपका सही है, रामानंद भी आपके उत्तर प्रदेश ये सही है, ठीक है। शाहबाज कलंदर आपके सिंध सही है और फर्स्ट लाल देद ये आपके कश्मीर भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो A1, B2, C3 और D4 यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे आंसर ही सही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, मैं ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक करना है क्या करना है वो तो आप जानते ही हैं। जिसको थोड़ा सा भी लगता होगा कि अच्छे से मेहनत हो रही है बताया जा रहा है तो वो लाइक कर देगा, और जिसे लगता है कि बस ऐसा ही है तो वो फिर उनकी अपनी मतलब उनका अपना मन है अपना व्यूज़ है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है मैं उनको बता दूँ कि अगर आप एट द रेट और रिसोर्स UPSC सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। उसमें मैंने 40+ टेस्ट पेपर अपलोड कर रखे हैं जिसमें RO, UPPCS और GS और UPSSL के भी उसमें क्वेश्चन पेपर अपलोड है। तो जो पहली बार देख रहा है वो रिसोर्स UPPSC आप सर्च करेंगे, एट द रेट लगा देंगे एट द रेट रिसोर्स, ठीक है, एट द रेट रिसोर्स UPPSC, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियो सॉरी कुछ पेपर के PDF नहीं दिया था बट फिर मैंने बाद में PDF भी दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, बी राजपूत, सी जौनपुर सल्तनत या डी परमार। तो आपका जो 1479 ईस्वी तक बस्ती और उसके आसपास के जिले जौनपुर सल्तनत के शासकों के नियंत्रण में थे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा जौनपुर सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलील उर रहमान का मकबरा कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है गाजियाबाद, बी मगहर, सी मुरादाबाद या डी लखनऊ, ठीक है। तो देखिए वर्ष 1680 यानी 1680 मुगल काल के दौरान औरंगजेब ने संभवतः स्थानीय प्रमुखों से राजस्व का नियमित भुगतान प्राप्त करने के लिए काजी खलील उर रहमान को गोरखपुर के चकलेदार यानी भूमि धारक के रूप में भेजा था। खलील उर रहमान ने गोरखपुर के सीमावर्ती जिलों के सरदारों को राजस्व का भुगतान हेतु मजबूर करने के लिए अयोध्या से मार्च किया और इस कदम के परिणाम स्वरूप अमरोहा एवं नागर के राजा जिन्होंने हाल ही में सत्ता हासिल की थी ने तुरंत अपनी अधीनता स्वीकार कर दी और इस तरह टकराव टल गया। इसके बाद गवर्नर मगहर के लिए रवाना हुआ
जिसे उसने फिर से घेर लिया गया तथा बंसी के राजा को राप्ती के तट पर इस किले में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो बी आपका हो जाएगा मगहर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ। ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी चंदावर का युद्ध या डी प्लासी का युद्ध। आपको पता ही है कि जयचंद राजा काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो 9वीं शताब्दी की शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में रहने वाले अयोध्या वासियों को पदच्युत कर दिया और इस शहर को अपना विस्तारित साम्राज्य के केंद्र के रूप में स्थापित किया। और यह साम्राज्य प्रसिद्ध मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंचा। ठीक है, तो चंदावर का जो युद्ध होता है उसमें क्या नाम से कि राजा जयचंद का पतन हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे आए, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। अगर इसका एक स्टेटमेंट जानना हो तो अंतिम महत्वपूर्ण राजवंश शासक जयचंद लगभग 1170 से 1194 चंदावर इटावा के पास युद्ध में मोहम्मद गोरी की हमलावर सेना से लड़ते हुए मारा गया। उनके निधन के कुछ समय बाद ही तुर्कों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख कारण भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया, ठीक है, जमानिया शहर का विकास किया। सेकेंड ऑप्शन है कि गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया। तो ये कह रहे हैं कि उसी तरीके जैसे नॉर्मल कोट दिया रहता है, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। कोट क्या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, सी केवल सेकेंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, देखिए बात हो रही है कि तुगलक काल में जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था और जिसके तहत गाजीपुर में शासन किया। जौना खां के शासनकाल में सैयद महमूद गाजी ने राजा पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज राजा मानधाता को हराकर इस शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही, अकबर के शासनकाल में अकबर जो अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर जमींदार मनसाराम ने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से कथन ये आपका सही हो जाएगा और बी सॉरी सेकेंड, यानी कि इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य के आधिपत्य में आ गया और मनसाराम के पुत्र राजा बलवंत सिंह गाजीपुर के राजा बने। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाता। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए राजा संसार चंद द्वितीय, बी हमीर चंद, सी राजा रणजीत सिंह या डी राजा ईश्वरी सिंह। ठीक है, सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया। देखिए राजा संसार चंद द्वितीय के काल में ही हमीरपुर अधिक सुर्खियों में आया। उन्होंने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया और इस स्थान पर महल और मंदिर बनवाए। तो इस तरीके से विकल्प ए आपका सही हो जाता है, राजा संसार चंद द्वितीय ने। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सुजानपुर टीला किधर है, तो ये आपका हमीरपुर में है। राजा संसार चंद ने 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी दी हैं तो आप पीडीएफ में पढ़ लोगे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किया। ऑप्शन ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी रायबरेली या डी उन्नाव। ठीक है, नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, तो देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति तो राणा बेनी माधव सिंह इसी क्षेत्र से थे। कहाँ से? बरेली से। उन्होंने या उन्हें बरेली के निवासियों द्वारा जिला अस्पताल के रूप में जाना जाता है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायबरेली उत्तर प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो करने वाला पहला राज्य था। रायबरेली। ठीक है, दो हैं क्योंकि रायबरेली और बरेली, कन्फ्यूज नहीं होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और यह क्षेत्र बाबा रामचंद्र पंडित मोतीलाल जवाहरलाल रफी अहमद किदवई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फिरोज गांधी इंदिरा गांधी राजीव गांधी तथा राजनारायण की कर्मभूमि है। सोचिए कितने महान महान व्यक्तित्व यहाँ पर रहे हैं, और भी हैं बहुत सारे। ठीक है,
आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था या थे। ऑप्शन है गंगा प्रसाद वर्मा, सेकंड एपी सेन, थर्ड राय राजेश्वर बाली या फोर्थ जगत नारायण। कह रहे हैं यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल थर्ड, बी फर्स्ट और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए बात हो रही है असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ठीक है, तो लखनऊ से राष्ट्रीय आंदोलन वर्ष 1899 यानी 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का अधिवेशन R.C. दत्त की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित किया गया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता आपको पता है 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। लखनऊ के लोगों ने वर्ष 1920-21 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी ने 20 अक्टूबर 1920 को लखनऊ का दौरा किया, जिसमें गंगा प्रसाद वर्मा, एपी सेन राय, राजेश्वर बाली, जगन नारायण असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आपको ये भी याद कर लेना चाहिए कि INC यानी कि नेशनल कांग्रेस की कितनी मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ जो मैंने याद की है, हालांकि मैंने वो नहीं किया है। 1899 से शुरू होती है 1899, ठीक है, फिर 18 देखिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू होती हैं जितनी भी मीटिंग हुई है कांग्रेस की उनको आपको याद कर लेना चाहिए। 1888 शुरू होती है, फिर 1899 शुरू होती है, फिर आपकी 1888 इसको बोलेंगे 1899, 1899 फिर शुरू होती 1905 की, फिर होती 1916 की, नहीं एक हो जाएगी 10 की, 10 के बाद हो जाएगी 1916 की, फिर आपकी यहाँ पर हो जाएगी इसकी 1925 की, और फिर हो जाएगी आपकी जहाँ तक 1936 की भी होती है 1936 की, और फिर हो जाएगी 1946 की, 47 में देश आज़ाद हुआ। 1925 वाली जो होती है इसमें सरोजिनी नायडू जी ने लीड किया था यानी कि इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जॉर्ज यूल ने आपकी 1888 वाली को किया, विमोच चंद बनर्जी ने आपकी 1899 वाली को किया, रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ 1905 वाली को किया लीड किया, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले ने, विलियम बेटन वर्ड ने आपकी 1910 वाली को किया लीड, और अंबिका चरण मजूमदार जो थे उन्होंने 1916। तो आप इतनी केवल याद कर लो, ज़्यादा नहीं है, 8 है। ठीक है, तो 8 को आप अच्छे से याद कर लो, बहुत बहुत इसके क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन सही नहीं है। अभी यहाँ इन्होंने पूछा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेल सम्मेलन के सदस्य नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन UPSC ने फंसा कर पूछा है। ठीक है, तो ये भी आप तैयार रखो। सेकेंड, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 में ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन है कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था। डी है ए और बी दोनों, तो कह रहे इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे आपको। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जो जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो लंदन में आयोजित किया गया था, और उन्हें वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, तो ये तो है, और आपको पता कि BHO की स्थापना भी पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आप देखते हैं सर सैयद अहमद खान, तो ये 1839 में इन्होंने आगरा के ब्रिटिश कमिश्नर के अधीन अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और 1857 में उन्हें सदर अमीन के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, किन्हें, सर सैयद अहमद खान को, और इन्होंने 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की थी। यहाँ इन्होंने दिया है 1857, तो ये इसकी डेट के हिसाब से गलत हो गया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करें, वे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी।
उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहा गया। डी आंसर यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए।